एक समय की बात है, नागपुर गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह लकड़हारा दिल से बहुत सच्चा और नेक और ईमानदार था। तभी अचानक वह एक दिन उस गांव से गुजर रहा था और आसपास के लोग उसे देखकर बोलने लगे कि वह लकड़हारा बहुत ईमानदार है। यह सोचकर और सुनकर वह बहुत खुश हुआ और अचानक उसे भूख लगी। तभी वह घर पर जाकर माँ से बोला, मम्मी मेरे लिए कुछ खाने को बना दो, आज मेरा बहुत मन कर रहा है और मुझे बहुत भूख भी लगी है। आज मेरा मन कर रहा है मम्मी कि तुम्हारे हाथों से मैं पनीर और पुलाव खाऊं। बहुत दिन हो गए पुलाव और पुलाव खा के, आज मेरा मन कर रहा है। क्यों दीदी, सही कह रहा हूँ ना? तो मम्मी प्लीज बना दो ना मम्मी, बहुत भूखा हूँ मम्मी, सुबह से बहुत भूख लगी है मम्मी, प्लीज। बेटा मैं बहुत परेशान हूँ, सुबह से ही बहुत परेशान हूँ। मैं तुमसे कहने ही वाली थी कि अब खाना बनाने के लिए घर में राशन नहीं बचे हैं, क्या करूँ? अब इतने हम गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम रोज एक नया अच्छे अच्छे खाना खा सके। और तो और घर में बनाने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं है। तुम जाके जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट लाओ और तब तक मैं अपने पड़ोसी से कुछ मांग कर लेकर आती हूँ और बना के तुमको दे देती हूँ बेटा। ठीक है मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं जंगल से जाके कुछ लकड़ियाँ काट लाता हूँ जिससे आप खाना बना लेना, और तब तक आप खाना बनाने के लिए कुछ राशन का इंतजाम करो, आसपास पड़ोसी से उधार ले लो और कल मैं राशन लेके आऊंगा, फिर चुकता कर देंगे। पता है मम्मी हम बहुत गरीब है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं जा रहा हूँ मम्मी। और यह कहकर वह लड़का जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए धीरे धीरे निकल पड़ता है और मन ही मन सोचता है कि आज हम इतने गरीब हैं कि एक वक्त का हमें रोटी सही से नहीं मिल रहा है, और तो और आज क्या पता जंगल में लकड़ियाँ भी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, हमारी तो तकदीर ही फूटी है, या ऊपर वाले कुछ कर। हे ऊपर वाले, क्या हम इसी तरह जीते रहेंगे? क्या हम इसी तरह एक वक्त की रोटी के लिए तरसते रहेंगे? मैं मानता हूँ कि गरीब हूँ लेकिन ईमानदार भी हूँ, अगर मैं चोरी भी करूँ तो शायद इससे कई गुना अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक ईमानदार लकड़हारा हूँ, मुझे भरोसा है अपनी मेहनत पर। फिर तभी बड़बड़ करते हुए जाते हुए उसने सामने एक कटा हुआ लकड़ी देखा और फिर वह बहुत अचंभों में पड़ गया कि जो मैंने कहा था वही सच हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? और मैं जंगल में और सारे लकड़ियाँ कैसे काटूं? और सूखी लकड़ियाँ भी नहीं दिख रही हैं, अब मैं घर पे क्या लेके जाऊंगा? यह देखकर वह और भी चिंता में पड़ गया और मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? आसपास सूखी लकड़ियाँ भी नहीं दिख रही हैं और हरे पेड़ों को मैं काट नहीं सकता, इससे मुझे पाप लग सकती है, क्योंकि हरे वृक्ष हैं तो हमारी ज़िंदगी है, हमारी छोटी 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 ज़रूरतें पूरा होती हैं। अगर मैं हरे पेड़ों को काटूंगा तो इसे सृष्टि नष्ट हो सकती है, या ऊपर वाले, मैं एक ईमानदार लकड़हारा हूँ, क्या इस ईमानदारी का यही नतीजा है? अगर मैं चोरी और डकैती करूँ तो इससे मैं कई अच्छी गुना ज़िंदगी जी सकता हूँ, इसके लिए मैं हरे वृक्षों को नहीं काटूँगा। यह कहकर वह लकड़हारा बिना लकड़ी लेते हुए अपने घर की ओर धीरे धीरे जाने लगता है, क्योंकि वह एक ईमानदार और सच्चा लकड़हारा था, इसीलिए वह वहाँ से लकड़ी नहीं काटा और जाने लगा। और फिर जाते जाते वह मन में सोच रहा था कि चलो कोई बात नहीं, आज लकड़ियाँ नहीं मिली, आज भूखे सो जाएंगे, कल देखते हैं क्या होता है। और तभी अचानक रास्ते में उसको माताजी का दर्शन होता है और फिर माताजी बोलती हैं कि जा बच्चे, अब तेरी किस्मत बदल गई, क्योंकि तू एक ईमानदार और सच्चा लकड़हारा है, जा घर पे और ऐसो आराम की ज़िंदगी से जी। माता जी उसके चारों ओर घूमने लगती हैं, यह देखकर वह लड़का बहुत खुश और प्रसन्न हो जाता है। और जब तक वह लकड़हारा घर पर पहुंचता है तब तक वह अपने दोनों आँखों से देखता है कि उसके पास एक बड़ा सा बंगला, स्विमिंग पूल, और तो और मम्मी और बहन दोनों बैठकर कुर्सी पर शानदार मज़े ले रही थी। यह देखकर वह बहुत खुश और प्रसन्न हुआ और मम्मी को आके सब बताया। और फिर इस तरह उस लकड़हारे का ज़िंदगी पल भर में बदल गया और फिर उस दिन से
वह लकड़हारा अपने पसंद का खाना पीना रहना सोना और साथ ही साथ अपने पास में एक सुंदर सा बगीचे में बैठकर वह लोग रोज़ इंजॉय और ढेर सारी बातें करते थे। और फिर वे लोग भगवान का लाख लाख शुक्र मना के वे लोग उस बगीचे में नाचने गाने और झूमने लगे और इसी तरह रोज़ वे ढेर सारी बातें करते थे, डांस करते थे, इंजॉय करते थे और अपनी दुख भरी ज़िंदगी को खुशियों में बदल कर उन लोग का ज़िंदगी खुशी खुशी बीतने लगा। और उसकी छोटी बहन वह अपनी माँ और भाई के सामने खुशी खुशी झूमने और नाचने लगी। यह देखकर माँ और भाई दोनों बहुत खुश और प्रसन्न हुए।